नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म, खंजर हिंदी, खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, जानकी दास, जयसी रिटी, जीवन किहन सिंह, महमूद मुराद, रीता भादुड़ी, सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित, आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स, अभिनीत नवीन निश्चल, रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन के आर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, ईजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश, भारत, भाषा हिंदी। कहानी संक्षेप में, एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति, रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की, डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसकी जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश, उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जयश्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जयश्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल, रीना राय, निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल, जयश्रीटी रसवंती के रूप में महमूद, जगत के रूप में अमजद खान, जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल, जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय, ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी, शेखर कपूर,
रमेश के रूप में गौरी वर्मा, जानकी दास, किएन सिंह, माणिक ईरानी, मृदुला स्किन, राजा दुग्गल, सज्जन, सुंदर तनेजा। गीत संगीत, सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर, इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलू से आई हूँ मैं, इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट, इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म, खंजर हिंदी खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, जानकी दास, जैसी रिटी, जीवन, किहन सिंह, महमूद मुराद, रीता भादुड़ी, सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित, आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स, अभिनीत नवीन निश्चल, रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन के आर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, ईजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी संक्षेप में, एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति, रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की, डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से
विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश, उसके जादूगर दोस्त जगत, महमूद और रसवंती जैसी रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत, महमूद और रसवंती जैसी रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल, रीना राय, निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल, जयश्रीटी रसवंती के रूप में महमूद, जगत के रूप में अमजद खान, जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल, जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय, ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी, शेखर कपूर रमेश के रूप में गौरी वर्मा, जानकी दास केएन सिंह, माणिक ईरानी मृदुला स्किन, राजा दुग्गल सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर, इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलू से आई हूँ मैं, इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट, इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म खंजर हिंदी खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, जानकी दास, जयसी रिटी, जीवन, केहन सिंह, महमूद मुराद, रीता भादुड़ी, सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित, आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स अभिनीत, नवीन निश्चल, रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन के आर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, ईजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी संक्षेप में एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जाँच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की
हत्या कर दी गई है, उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसकी जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश, उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्री टी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्री टी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल, रीना राय, निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल, जय श्री टी रसवंती के रूप में महमूद, जगत के रूप में अमजद खान, जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल, जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान, उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय, ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी, शेखर कपूर, रमेश के रूप में गौरी वर्मा, जानकी दास, केएन सिंह, माणिक ईरानी, मृदुला स्किन, राजा दुग्गल, सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर, इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलू से आई हूँ मैं, इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट, इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म खंजर हिंदी खंजर अनुवाद डैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, जानकी दास, जय श्री टी, जीवन
किहन सिंह, महमूद मुराद, रीता भादुड़ी, सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित आत्माराम, गुरुदत्त फिल्म्स अभिनीत, नवीन निश्चल, रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन केआर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, ईजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश, भारत, भाषा हिंदी। कहानी संक्षेप में, एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति, रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की, डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसकी जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमय हत्याओं से परेशान प्रकाश उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमय हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल, रीना राय, निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल, जय श्रीटी रसवंती के रूप में महमूद, जगत के रूप में अमजद खान, जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल, जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान, उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय, ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी, शेखर कपूर, रमेश के रूप में गौरी वर्मा, जानकी दास, केएन सिंह, माणिक ईरानी, मृदुला स्किन, राजा दुग्गल, सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर, इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलु से आई हूँ मैं, इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट, इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं।
गाना नंबर 7 जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं। इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म, खंजर हिंदी खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, जानकी दास, जैसी रिटी, जीवन, किहन सिंह, महमूद मुराद, रीता भादुड़ी, सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित, आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स अभिनीत, नवीन निश्चल, रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन केआर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, ईजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश, भारत, भाषा हिंदी। कहानी संक्षेप में, एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति, रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की, डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसकी जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश, उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जैसी रिटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला
खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल, रीना राय, निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल, जय श्री टी रसवंती के रूप में महमूद, जगत के रूप में अमजद खान, जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल, जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय, ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी शेखर कपूर, रमेश के रूप में गौरी वर्मा जानकी दास किएन सिंह माणिक ईरानी मृदुला स्किन राजा दुग्गल सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर, इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलु से आई हूँ मैं, इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट, इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म खंजर हिंदी खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, जानकी दास, जय श्री टी, जीवन, किहन सिंह, महमूद मुराद, रीता भादुड़ी, सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित, आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स अभिनीत, नवीन निश्चल रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन केआर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, ईजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी संक्षेप में, एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन
ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसकी जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय शिरीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल रीना राय निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल जय श्री टी रसवंती के रूप में महमूद जगत के रूप में अमजद खान जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी शेखर कपूर रमेश के रूप में गौरी वर्मा जानकी दास केएन सिंह माणिक ईरानी मृदुला स्किन राजा दुग्गल सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलु से आई हूँ मैं इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म खंजर हिंदी खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय सुरेश ओबराय अमजद खान जानकी दास जय श्रीटी जीवन किहन सिंह महमूद मुराद रीता भादुड़ी सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित राम गोविंद द्वारा निर्मित आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स अभिनीत नवीन निश्चल रीना राय सुरेश ओबराय अमजद खान महमूद छायांकन के आर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित ईजी शिंदे संगीत दिया है नितिन मंगेश माया गोविंद गीत रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980 भारत देश भारत भाषा हिंदी कहानी संक्षेप में एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के
आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय शिरीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल, रीना राय, निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल, जय श्रीटी रसवंती के रूप में महमूद, जगत के रूप में अमजद खान, जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल, जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान, उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय, ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी, शेखर कपूर, रमेश के रूप में गौरी वर्मा, जानकी दास, केएन सिंह, माणिक ईरानी, मृदुला स्किन, राजा दुग्गल, सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर, इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलु से आई हूँ मैं, इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट, इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए।
जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म, खंजर हिंदी, खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, जानकी दास, जैसी रिटी, जीवन, किहन सिंह, महमूद मुराद, रीता भादुड़ी, सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित, आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स, अभिनीत नवीन निश्चल, रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन केआर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, इजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश, भारत, भाषा हिंदी, कहानी संक्षेप में एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनों रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगण में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जैसी रिटी एक पुराने शहर उदयगण में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल, रीना राय, निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल, जय श्री टी रसवंती के रूप में महमूद, जगत के रूप में अमजद खान, जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल, जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय, ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी, शेखर कपूर रमेश के रूप में गौरी वर्मा, जानकी दास केएन सिंह, माणिक ईरानी मृदुला स्किन, राजा दुग्गल सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है।
गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर, इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलु से आई हूँ मैं, इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर, इस गाने के गायकार अजीज़ नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर, इस गाने के गायकार अजीज़ नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी ज़िंदगी हो एकल, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी ज़िंदगी हो डुएट, इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म, खंजर हिंदी खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, जानकी दास, जयसी रेट्टी, जीवन किहन सिंह, महमूद मुराद, रीता भादुड़ी, सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित, आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स, अभिनीत नवीन निश्चल, रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन के आर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, इजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी संक्षेप में, एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमय हत्याओं से परेशान प्रकाश, उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जैसी रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है।
एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमय हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जयश्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल रीना राय निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल जयश्रीटी रसवंती के रूप में महमूद जगत के रूप में अमजद खान जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी शेखर कपूर रमेश के रूप में गौरी वर्मा जानकी दास के एन सिंह माणिक ईरानी मृदुला स्किन राजा दुग्गल सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलु से आई हूँ मैं इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर इस गाने के गायकार अजीज़ नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर इस गाने के गायकार अजीज़ नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी ज़िंदगी हो एकल इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी ज़िंदगी हो डुएट इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म खंजर हिंदी खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय सुरेश ओबराय अमजद खान जानकी दास जयश्रीटी जीवन किहन सिंह महमूद मुराद रीता भादुड़ी सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित राम गोविंद द्वारा निर्मित आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स अभिनीत नवीन निश्चल रीना राय सुरेश ओबराय अमजद खान महमूद छायांकन के आर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित इजी शिंदे संगीत दिया है नितिन मंगेश माया गोविंद गीत रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980 भारत देश भारत भाषा हिंदी कहानी संक्षेप में एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को
उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय शिरीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल, रीना राय, निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल, जय श्री टी रसवंती के रूप में महमूद, जगत के रूप में अमजद खान, जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल, जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय, ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी शेखर कपूर, रमेश के रूप में गौरी वर्मा जानकी दास केएन सिंह माणिक ईरानी मृदुला स्किन राजा दुग्गल सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलु से आई हूँ मैं इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म खंजर हिंदी खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय सुरेश ओबराय अमजद खान जानकी दास जय श्रीटी जीवन किहन सिंह महमूद मुराद रीता भादुड़ी सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर
निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित आत्माराम, गुरुदत्त फिल्म्स अभिनीत, नवीन निश्चल, रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन के आर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, ईजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश, भारत, भाषा हिंदी। कहानी, संक्षेप में एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक, प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति, रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की, डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश, उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना, प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल, रीना राय, निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल, जय श्री टी रसवंती के रूप में महमूद, जगत के रूप में अमजद खान, जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल, जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान, उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय, ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी, शेखर कपूर, रमेश के रूप में गौरी वर्मा, जानकी दास, केएन सिंह, माणिक ईरानी, मृदुला स्किन, राजा दुग्गल, सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत, सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर, इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलू से आई हूँ मैं, इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट, इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म, खंजर हिंदी, खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, जानकी दास, जयसी रिटी, जीवन किहन सिंह, महमूद मुराद, रीता भादुड़ी, सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित, आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स, अभिनीत नवीन निश्चल, रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन केआर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, इजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश, भारत, भाषा हिंदी। कहानी संक्षेप में, एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति, रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की, डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश, उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जयश्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जयश्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल, रीना राय, निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल, जयश्री टी रसवंती के रूप में महमूद, जगत के रूप में अमजद खान, जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल, जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय, ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी, शेखर कपूर,
रमेश के रूप में गौरी वर्मा, जानकी दास, किएन सिंह, माणिक ईरानी, मृदुला स्किन, राजा दुग्गल, सज्जन, सुंदर तनेजा। गीत संगीत, सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर, इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलू से आई हूँ मैं, इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट, इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म, खंजर हिंदी खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, जानकी दास, जयसी रिटी, जीवन, किहन सिंह, महमूद मुराद, रीता भादुड़ी, सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित, आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स, अभिनीत नवीन निश्चल, रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन के आर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, इजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी संक्षेप में, एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय शिरीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से
विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश, उसके जादूगर दोस्त जगत, महमूद और रसवंती जैसी रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत, महमूद और रसवंती जैसी रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल, रीना राय, निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल, जयश्री टी रसवंती के रूप में महमूद, जगत के रूप में अमजद खान, जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल, जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय, ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी, शेखर कपूर रमेश के रूप में गौरी वर्मा, जानकी दास किएन सिंह, माणिक ईरानी मृदुला स्किन, राजा दुग्गल सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर, इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलू से आई हूँ मैं, इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट, इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म खंजर हिंदी खंजर अनुवाद डैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, जानकी दास, जयसी रिटी, जीवन, किहन सिंह, महमूद मुराद, रीता भादुड़ी, सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित, आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स, अभिनीत नवीन निश्चल, रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन के आर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, इजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी संक्षेप में एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की
हत्या कर दी गई है, उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसकी जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश, उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्री टी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्री टी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल, रीना राय, निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल, जय श्री टी रसवंती के रूप में महमूद, जगत के रूप में अमजद खान, जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल, जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान, उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय, ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी, शेखर कपूर, रमेश के रूप में गौरी वर्मा, जानकी दास, किएन सिंह, माणिक ईरानी, मृदुला स्किन, राजा दुग्गल, सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर, इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलू से आई हूँ मैं, इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट, इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म, खंजर हिंदी खंजर अनुवाद डैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, जानकी दास, जय श्री टी, जीवन
किहन सिंह, महमूद मुराद, रीता भादुड़ी, सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित आत्माराम, गुरुदत्त फिल्म्स अभिनीत, नवीन निश्चल, रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन केआर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, इजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश, भारत, भाषा हिंदी। कहानी संक्षेप में, एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति, रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की, डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमय हत्याओं से परेशान प्रकाश उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्री टी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमय हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल, रीना राय, निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल, जय श्री टी रसवंती के रूप में महमूद, जगत के रूप में अमजद खान, जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल, जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान, उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय, ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी, शेखर कपूर, रमेश के रूप में गौरी वर्मा, जानकी दास, केएन सिंह, माणिक ईरानी, मृदुला स्किन, राजा दुग्गल, सज्जन, सुंदर तनेजा। गीत संगीत सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर, इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलू से आई हूँ मैं, इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट, इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं।
गाना नंबर 7 जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म, खंजर हिंदी खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, जानकी दास, जयसी रेट्टी, जीवन किहन सिंह, महमूद मुराद, रीता भादुड़ी, सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित, आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स अभिनीत, नवीन निश्चल, रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन केआर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, इजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश, भारत, भाषा हिंदी। कहानी संक्षेप में, एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जयसी रेट्टी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश, उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जयसी रेट्टी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जयसी रेट्टी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला
खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना, प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल, रीना राय, निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल, जय श्री टी, रसवंदी के रूप में महमूद, जगत के रूप में अमजद खान, जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल, जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय, ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी शेखर कपूर, रमेश के रूप में गौरी वर्मा जानकी दास किएन सिंह माणिक ईरानी मृदुला स्किन राजा दुग्गल सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत, सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर, इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलु से आई हूँ मैं, इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट, इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म, खंजर हिंदी खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय सुरेश ओबराय अमजद खान जानकी दास जय श्री टी जीवन किहन सिंह महमूद मुराद रीता भादुड़ी सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित, आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स अभिनीत, नवीन निश्चल रीना राय सुरेश ओबराय अमजद खान महमूद, छायांकन केआर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, इजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी संक्षेप में, एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी खंजर उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन
ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय शिरीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल रीना राय निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल जय श्री टी रसवंती के रूप में महमूद जगत के रूप में अमजद खान जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी शेखर कपूर रमेश के रूप में गौरी वर्मा जानकी दास के एन सिंह माणिक ईरानी मृदुला स्किन राजा दुग्गल सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलु से आई हूँ मैं इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म खंजर हिंदी खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय सुरेश ओबराय अमजद खान जानकी दास जय श्रीटी जीवन किहन सिंह महमूद मुराद रीता भादुड़ी सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित राम गोविंद द्वारा निर्मित आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स अभिनीत नवीन निश्चल रीना राय सुरेश ओबराय अमजद खान महमूद छायांकन के आर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित इजी शिंदे संगीत दिया है नितिन मंगेश माया गोविंद गीत रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980 भारत देश भारत भाषा हिंदी कहानी संक्षेप में एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के
आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय शिरीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल रीना राय निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल जय श्रीटी रसवंती के रूप में महमूद जगत के रूप में अमजद खान जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी शेखर कपूर रमेश के रूप में गौरी वर्मा जानकी दास केएन सिंह माणिक ईरानी मृदुला स्किन राजा दुग्गल सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलु से आई हूँ मैं इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए,
जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म, खंजर हिंदी, खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, जानकी दास, जैसी रिटी, जीवन, किहन सिंह, महमूद मुराद, रीता भादुड़ी, सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित, आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स, अभिनीत नवीन निश्चल, रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन केआर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, इजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश, भारत, भाषा हिंदी। कहानी संक्षेप में, एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति, रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की, डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनों रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगण में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जैसी रिटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमयी हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल, रीना राय, निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल, जय श्री टी रसवंती के रूप में महमूद, जगत के रूप में अमजद खान, जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल, जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान, उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय, ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी, शेखर कपूर, रमेश के रूप में गौरी वर्मा, जानकी दास, केएन सिंह, माणिक ईरानी, मृदुला स्किन, राजा दुग्गल, सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत, सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है।
गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर, इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलु से आई हूँ मैं, इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर, इस गाने के गायकार अजीज नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी जिंदगी हो एकल, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी जिंदगी हो डुएट, इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं, इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको खंजर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। खंजर फिल्म, खंजर हिंदी खंजर अनुवाद टैगर 1980 की हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन आत्माराम ने किया है। इस एक्शन थ्रिलर में रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, जानकी दास, जयसी रेट्टी, जीवन किहन सिंह, महमूद मुराद, रीता भादुड़ी, सज्जन और शेखर कपूर जैसे सहायक कलाकारों के साथ नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में हैं। नितिन मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जिसके बोल माया गोविंद ने लिखे हैं। खंजर निर्देशक आत्माराम द्वारा लिखित, राम गोविंद द्वारा निर्मित, आत्माराम गुरुदत्त फिल्म्स, अभिनीत नवीन निश्चल, रीना राय, सुरेश ओबराय, अमजद खान, महमूद, छायांकन के आर मूर्ति यूसुफ द्वारा संपादित, इजी शिंदे, संगीत दिया है नितिन मंगेश, माया गोविंद, गीत। रिलीज की तारीख 18 जनवरी 1980, भारत देश, भारत, भाषा हिंदी। कहानी संक्षेप में, एक आपराधिक जांच में खंजर और उसके संरक्षक के जीवन के आसपास रहस्यमय मौतों के बारे में है। कथानक प्रकाश नवीन निश्चल एक लाइब्रेरियन अपनी बेटी के साथ रहता है। एक दिन उसका दोस्त और निजी जासूस कैप्टन उस्मान सुरेश ओबराय उससे मिलने आता है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खंजर के साथ एक डायरी देता है। वह प्रकाश को अपनी जांच के तहत एक मामले के लिए उनके महत्व के बारे में भी बताता है और उन्हें कुछ गैंगस्टरों द्वारा उनके बारे में धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद प्रकाश को पता चलता है कि उस्मान की हत्या कर दी गई है। उसे उस्मान की डायरी और खंजर के बारे में पूछताछ करने वाले एक अजनबी का फ़ोन भी आता है। इस बीच प्रीति रीना राय नाम की एक स्मार्ट लड़की डायरी और खंजर के बारे में जानने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब जाती है। प्रकाश ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और पुलिस को उस्मान की डायरी, खंजर, उसकी हत्या और प्रीति के प्रयासों की कहानी बताई। वे उसे उसके साथ काम करने वाले गैंगस्टरों के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करने का निर्देश देते हैं। उसके जोर देने पर प्रीति उसे प्रिंस अमजद खान के निर्देश पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताती है। जल्दी राजकुमार उसके व्यवहार के बारे में जान जाता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से शादी करने वाले उसके बहनोई रमेश शेखर कपूर की भी हत्या कर दी जाती है। खंजर की ओर ले जाने वाली इस रहस्यमय आत्माओं हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जय श्रीटी एक पुराने शहर उदयगण में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमय हत्याओं से परेशान प्रकाश, उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जैसी रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं, जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है।
एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। उसकी छोटी बहन ज्योति रीता भादुड़ी से विवाहित की भी हत्या कर दी गई है। खंजर की ओर ले जाने वाली इन रहस्यमय हत्याओं से परेशान प्रकाश और उसके जादूगर दोस्त जगत महमूद और रसवंती जयश्रीटी एक पुराने शहर उदयगढ़ में जाते हैं जो स्वामी जी अमजद खान के लिए प्रसिद्ध है। एक रहस्य एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है और रोमांचकारी घटनाओं की एक श्रृंखला खंजर के रहस्य को उजागर करती है। ढालना प्रकाश के रूप में नवीन निश्चल रीना राय निशा ऑब्लिक मधु ऑब्लिक प्रीति डबल रोल जयश्रीटी रसवंती के रूप में महमूद जगत के रूप में अमजद खान जोरावर सिंह स्वामी जी ऑब्लिक शमशेर सिंह प्रिंस डबल रोल जीवन डॉक्टर प्रेम के रूप में कप्तान उस्मान के रूप में सुरेश ओबराय ज्योति के रूप में रीता भादुड़ी शेखर कपूर रमेश के रूप में गौरी वर्मा जानकी दास के एन सिंह माणिक ईरानी मृदुला स्किन राजा दुग्गल सज्जन सुंदर तनेजा। गीत संगीत सभी गीत माया गोविंद द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत नितिन मंगेशकर द्वारा रचित है। गाना नंबर एक देखो मेरा ये जंतर मंतर इस गाने के गायकार महमूद और अंजलि हैं। गाना नंबर दो होनोलुलु से आई हूँ मैं इस गाने के गायकार उषा टिमोथी हैं। गाना नंबर तीन लो हम आगे हैं फिर तेरे डर इस गाने के गायकार अजीज़ नाजन हैं। गाना नंबर चार तेरी निगाह खंजर इस गाने के गायकार अजीज़ नाजन हैं। गाना नंबर पाँच तुम मेरी ज़िंदगी हो एकल इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर छः तुम मेरी ज़िंदगी हो डुएट इस गाने के गायकार जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी हैं। गाना नंबर सात जिंदा हूँ मगर जिंदा हूँ नहीं इस गाने के गायकार आरती मुखर्जी हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।